नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, पहले फेज की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नामांकन जो है वो 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बिहार में अभी तक राजनीतिक धुंध छाई हुई है। यानी कि किसी भी गठबंधन में अभी तक सीटों की शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है। कौन किस सीट पर लड़ेगा, कितने सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर अभी भी बिहार की राजनीति का धुंध साफ नहीं हो पाया है। ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति अब वो राजनीति नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी, जहाँ पर एक साल पहले से ही तैयारियाँ चलती थी कि किस प्रकार से अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से अभी की खबरें रही है कि एक गठबंधन है जिसके अंदर सीट को लेकर मारामारी है, यानी कि दोनों गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि सीटों को लेकर दोनों ही गठबंधनों में लगातार रंजिशें चल रही हैं, कोई किसी पर बयान कर रहा है, कोई किसी पर बयानबाजी दे रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं कर पाया है। इसी को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद और स्तंभ लेखक आरके सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है और लोकतंत्र को बचाने का यह बयान है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और 50 वर्षों से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुड़े रहने के कारण कह रहा हूं। मैंने 1967 से लेकर अब तक के लगभग सभी चुनाव देखे हैं और सक्रिय रूप से भाग भी लिया है, किंतु किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग ने नामांकन की तिथि घोषित कर दी, प्रथम चरण के नामांकन के 3 दिन बीत भी गए, लेकिन कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित ही नहीं कर पा रही है। अब इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। पहले एक एक साल पहले से तय होते थे कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, और अगर कोई सिटिंग विधायक है तो इस बार उसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अतः इस पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा को, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वो किसी, अभी जो बात कर रहे हैं वो किसी नेता के तौर पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पत्रकार होने के नाते वो उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि एक तय सीमा पर सीटों का बंटवारा हो जाए, चुनाव से पहले ऐसा हो जाना चाहिए। बिहार में पहले फेज का जो नामांकन है उसकी आखिरी तारीख है 8 अक्टूबर, 3 अक्टूबर आज की तारीख है, यानी आज से 5 दिन और हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन में वो किसी भी प्रकार का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। अगर एनडीए की बात करें तो देख रहे हैं कि वहाँ पर रंजिशें तो लगातार बढ़ गई हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि लोजपा जो है वो नहीं मान रही है सीट को लेकर, अब जो खबरें आ रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में भी लगातार रंजिश बढ़ते जा रही है, वहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस चुका है। वहीं महागठबंधन के बारे में खबर है कि वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, बहुत जल्द घोषणा होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि कब तक यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाता है, कब तक जनता यह जान पाएगी कि बिहार में इस बार कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।